बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय सिंगला खिलाफ दर्ज FIR दी डिटेल च वड्डे खुलासे होए ने। बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला ने अपने OSD प्रदीप कुमार दे जरिए रिश्वत लई सी, ए वड्डे खुलासे होए ने। मोहाली च तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने शिकायत की थी सी। हुण शिकायतकर्ता दा नाम भी सामने आ गया है। कमीशन ते रिश्वत मंगण ते सिंगला खिलाफ दर्ज करवाया गया सी केस। सिंगला ने एक महीना पहला पंजाब भवन दे कमरा 203 च सद्या सी। राजेंद्र सिंह दा एक कहना है, सिंगला ने कहा सी कि मैनू जल्दी है कि मैं निकल रहा हां। OSD प्रदीप कुमार भी मौजूद सी। इस वक्त दी वड्डी खबर, विजय सिंगला खिलाफ दर्ज FIR दी डिटेल विच वड्डे खुलासे होए ने। साडे सहयोगी अंकुश महाजन इसे खबर ते वधेरी जानकारी लई जुड़ गए ने। जी अंकुश, विजय सिंगला खिलाफ दर्ज FIR दी डिटेल विच हुण वड्डे खुलासे होए ने। बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला ने अपने OSD प्रदीप कुमार दे जरिए रिश्वत लई सी। जी की कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल नीलम, जिस तरीके नाल सारा घूस कड हुण सामने आ रहा उस दे मुताबक OSD जिहड़ा प्रदीप कुमार सीगा विजय सिंगला दा जिहड़ा बर्खास्त मंत्री है उहदे राही जिहड़ा रिश्वत मंगी गई सी। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैगे राजेंद्र सिंह, उन्हां वल्लों राजेंद्र सिंह जिहड़ा काम करा रहे सी उसनूं लैके टोटल 58 करोड़ रुपए की पेमेंट बनती सीगी, जिसकी अदायगी जिहड़ा 41 करोड़ की हो चुकी सी। 17 करोड़ रुपया जिहड़ा बकाया सीगा उसनूं लैके ये सारा जिहड़े रिश्वत मंगी गई सी ते कमीशन दे तौर ते रिश्वत मंगी जा रही सीगी। तकरीबन एक महीना पहला जिहड़ा पंजाब भवन दा जिहड़ा कमरा नंबर 203 हैगा उत्थों ये कहानी सारी शुरू होंदी है। उत्थे लई ये जिहड़ी जानकारी सांझी कीती जांदी है ते कहा जांदा उत्थे SC राजेंद्र सिंह नूं बुलाया जांदा है, लेकिन जदों उत्थे पहुँचते ने ते तुरंत जिहड़े विजय सिंगला उधरों कमरे तो बाहर निकलते ते कहिंदे ने कि मैनूं हुणे जल्दी है, मैं किसे काम जा रहा, मेरे OSD इत्थे ही है, जो मेरे OSD प्रदीप कुमार कहणगे ओह समझना मैं ही कह रहा। तो उत्थे प्रदीप कुमार वालों उस तो जिहड़ी कमीशन की मंग की जाती है, तो लेकिन अधिकारी वालों ये कहा जाता है कि वो किसी तरीके की कोई रिश्वत नहीं देंगे, अगर उन्होंने तुसी हटाना बदली करानी तो तुसी बदली करा दो, जिहड़े पुराने अफसर है उन्होंने इत्थे ले आओ, वो अपनी गल तो टस तो मस नहीं होंगे। तो इस तो बाद तकरीबन जिहड़ा उन्होंने OSD है वो लगातार SC राजेंद्र सिंह को धमकियां देता रहा, व्हाट्सएप पर कॉल करता रहा, तो साफ ये कहते रहे कि उन्होंने हटा दिता जाएगा, उन्होंने खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिते जाएंगे अगर नहीं दी। तो सारी चीज़ा तो दुखी आके राजेंद्र सिंह नूं तकरीबन जिहड़ा 15 दिन पहला जदों बुलाया गया तो तद राजेंद्र सिंह ने सैक्रटरीएट के जो बीच बुलाया सीगा तो राजेंद्र सिंह ने उसकी रिकॉर्डिंग जिहड़ी वह कर लीती, तो जिस दे विच खुद विजय सिंगला 5 लाख रुपए की रिश्वत लैन की जिहड़ी गल करदे जिसकी रिकॉर्डिंग खुद मुख्यमंत्री नूं दित्ती गई। तो मुख्यमंत्री ने जदों ये सारी जानकारी इकट्ठी की तो उसदे तो पुछगिछ की गई तो साफ हो गया कि जिस दे बाद विजय सिंगला ने अपनी गलती स्वीकार की, तो साफ मनिया कि उसने रिश्वत मंगी सी। तो जिस तरीके कमीशन की गल सामने तो एक वड्डा खुलासा अगर कही तो FIR के होया, तो हुण ये भी जानकारी जड़ी मिल रही नीलम कि विजय सिंगला वालों जेडे भी पिछले जतों मंत्री बने जेडे भी फाइलां पास की जेडे भी टेंडर पास किए या जेड़ा भी उन्हां वालों काम शुरू किए गए जेडे काम पाइपलाइन के सारे की जाँच एक बार फिर सरकार वालों शुरू कर दी, क्योंकि सारे मामले देखे जाएंगे कि होर किस कोई इस तरह का कोई मामला तो नहीं जिस दे विच पहला भी इस तरीके कमीशन लिती होए। तो कह सकते हैं तो एक वड्डी कार्रवाई विजय सिंगला के उत्ते की गई है जिन्हों वालों एक रिश्वत मंगी जा रही थी, तो रिश्वत बिल्कुल भी बर्दाश्त जी कहा गया है कि नहीं की जाएगी, तो सारा घूस कांड है वो हुण सामने आ चुका है। जी नीलम, अंकुश इत्थे एक खास गल ये भी है कि कैबिनेट मंत्री बनन तो बाद विजय सिंगला ने आप एक बयान दिता सी कि भ्रिष्टाचार नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नो टॉलरेंस, पर 62 दिन बाद वो आप ही भ्रिष्टाचार के इल्जाम हेठा गिरफ्तार होए ने। जी बिल्कुल, एक वड्डा अगर कहिए तो एक्शन होया था, एक जिस तरीके
भ्रिष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की गल सरकार का हर एक नुमाइंदा कर रहा, मुख्यमंत्री होन विधायक होन या कोई मंत्री हो, हर कोई ये कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस होएगी। तो अज उसी कड़ी के जो विजय सिंगला जोड़े कि कैबिनेट मंत्री वो भी अज उसी दे शिकार हो गए ने, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की अगर गल का उन्होंने भी बयान दिता कि बर्दाश्त नहीं होगा, तो अज उसी का शिकार होए। तो साफ हो गया कि विजय सिंगला वालों रिश्वत मंगी गई, क्योंकि उन्होंने इस पूरी तरीके कबूल भी कर लिया है। तो जिस तो बाद मुख्यमंत्री वालों उन्होंने एक्शन लिता गया, उन्होंने तुरंत सस्पेंड किया गया, तो नाल ही जिहड़ा उन्होंने खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज कराई गई। जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर विजय सिंगला अज सवेरे जदों पंजाब भवन तो बाहर आ रहे थे, तो उसी दौरान पंजाब पुलिस ने उत्थे ट्रैप लगाया से, तो जिवें ही वह बाहर आए तो उन्होंने उत्थे ही जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया। तो उस तो बाद उन्होंने हुण इत्थे लिया गया फेज 8 मोहाली। मैं एक बार तुहानूं तस्वीरां दिखादा कि उसी जगह मैं मौजूद हाँ जिथे इस वेले विजय सिंगला इसी थाने के अंदर जड़े है मौजूद है। फेज 8 का मोहाली का यह थाना है, सेंट्रल पुलिस स्टेशन है जिथे विजय सिंगला अंदर रखा गया, तो पुलिस के सीनियर अधिकारी भी इत्थे मौजूद है जिहड़े कि लगातार विजय सिंगला तो पूछगिछ कर रहे। तो थोड़ी ही देर बाद विजय सिंगला इत्थों जिहड़ा वो हस्पताल ले जाया जाएगा, सरकारी हस्पताल मोहाली के, जिथे उन्होंने तो जी उन्होंने मेडिकल करवाया जाएगा। तो उस तो बाद उन्होंने कोर्ट से पेश किया जाएगा। हालांकि रूल के मुताबिक जो पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जड़ा जड़ा पेश करना जरूरी होंगे मुलजम। तो हूँ जड़ा विजय सिंगला जी जानकारी मिल रही कि थोड़ी ही देर बाद इतों जड़ा वो पहला मेडिकल ही ले जाया जाएगा मोहाली के 6 फेज, तो उस तो बाद उन्होंने कोर्ट के पेश किया जाएगा। एक वड्डा मामला अगर कही हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि सीधे तौर पर मंत्री ये लिप्त है, मंत्री के खिलाफ वड्डी कार्रवाई हुई है, तो पुलिस भी कितने ना कितने कुछ भी बोलन तो हले गुरेज कर रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सीनियर अधिकारी जिहड़े मीडिया नाल गलबात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी वालों भी कोई जिहड़ी मीडिया नाल गलबात है वो नहीं की जा रही। जिन्हें भी अधिकारी इत्थे आए उन्होंने तो कोशिश की गई कि मीडिया के विचों कोई बयान देने, उन्होंने तो पूछ कि इत्थे विजय सिंगला है तो उन्होंने तो किस तरीके की पुछगिछ हो रही है, किहड़े नियम के तहत मामला दर्ज होया है, ये सारी चीज़ा पूछिया गई। लेकिन हले किसी भी पुलिस अधिकारी वालों मीडिया सामने कोई बयान नहीं दिता गया। तो साफ किया गया कि सीनियर अधिकारी बोलेंगे, वो बाइट देंगे। फिलहाल अगर गल करिए तो विजय सिंगला इस वेले मोहाली के 8 फेज थाने के अंदर मौजूद है, जिथे उन्होंने तो पूछगिछ की जा रही है। जी नीलम जी, अंकुश केड़े टेंडर लई ए 1% रिश्वत लई सी कुछ हुण तक सामने आ पाई है जानकारी? बिल्कुल नीलम, एक कोई बठिंडा का कोई कंस्ट्रक्शन साइट सी, बठिंडा का कोई मामला है, उत्थे दे ही एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रजिंदर सिंह तो ही जड़ा कोई रिश्वत लैन की गल हो रही थी, कोई उत्थे दी कंस्ट्रक्शन साइट सी, तो जिसनों लैके जड़ी है पूरा मामला होया। तो भी जानकारी मिल रही है कि यह बठिंडा विजिलेंस वालों ही एंटी करप्शन सैल है जरा बठिंडा, उन्होंने वालों गिरफ्तार किया जा रहा, कुछ इस तरीके की खबर भी आ रही, लेकिन पुष्टि तद होगी जब इसते कोई ऑफिशियल तौर पर मीडिया कोई जानकारी साझी की जाएगी। लेकिन जानकारी यही मिले कि बठिंडिया की एक जो कंस्ट्रक्शन साइट सी, जिस तकरीबन 58 करोड़ रुपए की लागत नो बन रही थी, तो उस जरा 2-1% जी कमीशन लिती गई थी, तो उसके उत्ते ही यह सारी कार्रवाई मंत्री विजय सिंगला के खिलाफ की गई है। अंकुश बिल्कुल कहने को 1% है, पर 58 करोड़ के काम लिए 1,16,00,000 रुपए कमीशन मंगया गया। हालांकि जेकर संपत्ति की गल की जाए डॉक्टर विजय सिंगला की, 6.5 करोड़ तक की संपत्ति उन्हां कोल है, ते पेशे तो वह डेंटिस्ट ने, ते क्यों लोड़ पई इस तरह रिश्वत लैण दी कमीशन लैण दी? क्यों लोड़ पई डीलम, ये तो एक बड़ा सवाल हैगा, तो मंत्री ही विजय सिंगला ही खुद दस सकते हैं कि क्यों उन्होंने, भावें वो करोड़पति जरूर है, 6 करोड़ रुपए की जी अचल संपत्ति उन्होंने हैगी, जी उन्होंने अपने एफीडेविट के जोड़ा चोन कमीशन दिता से उस मुताबिक, लेकिन वो बावजूद उन्होंने वालों 1,16,00,000 रुपए की जी रिश्वत लैन की गल की गई है, वो क्यों उन्होंने लोड़ पई है ये तो खैर उ दसनगे। लेकिन एक वही कार्रवाई उन्होंने उत्ते जी है सरकार वालों की गई है, उन्होंने पहले सरकार तो बाहर का राह दिखाया गया, तो उस तो बाद जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ FIR दर्ज हुई तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। जी नीलम, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश। तो विजय सिंगला खिलाफ दर्ज FIR दी डिटेल च वड्डे खुलासे होए ने। बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला ने अपने OSD प्रदीप कुमार के जरिए रिश्वत मंगी सी। मोहाली च तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रजिंदर सिंह ने शिकायत की सी,
कमीशन ते रिश्वत मंगन ते सिंगला खिलाफ केस दर्ज करवाया गया सी। 58 करोड़ दे कम लई 1 करोड़ 16 लाख रुपए कमीशन मंगया गया सी। 1% कमीशन मंगया गया सी। रिश्वत ना देने की सूरत विच करियर बर्बाद करन दी धमकी भी दित्ती गई सी। 23 मई नू सकत्रेत विच मंत्री ते ओएसडी नाल होई गलबात शिकायतकर्ता ने दसी ते विजय सिंगला खिलाफ दर्ज एफआईआर दी डिटेल विच वड्डे खुलासे होए ने। जिसो बाद ए सामने आया कि मंत्री विजय सिंगला ने अपने ओएसडी प्रदीप कुमार दे जरिए रिश्वत मंगी सी। ए जो कमीशन मंगी गई सी 1% दी। मोहाली च तैनात सुपरडेंट इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने शिकायत की सी 58 करोड़ दे कम लई 1 करोड़ 16 लाख रुपए कमीशन मंगया गया सी। हुण ग्राफिक राही तुहानू दसदे आ की है बरखास्त मंत्री दा भ्रष्टाचार कांड। मंत्री विजय सिंगला ने अपने ओएसडी प्रदीप कुमार दे जरिए रिश्वत मंगी सी। एफआईआर विच दर्ज जो संगीन इल्जाम है उसका वेरवा दे रहे हैं। मोहाली च तैनात सुपरडेंट इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने यह शिकायत की 58 करोड़ के काम लई 1 करोड़ 16 लाख रुपए कमीशन मंगया गया सी। 23 मई नू सकत्रेत विच मंत्री ते ओएसडी नाल होई गलबात शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड की सी। रिश्वत ना देने की सूरत विच करियर बर्बाद करन दी धमकी दी गई सी। राजेंद्र सिंह का यह वड्डा बयान है। मंत्री विजय सिंगला ने अपने ओएसडी प्रदीप कुमार दे जरिए रिश्वत मंगी सी। फिलहाल इस बुलेटिन च नहीं दे इजाजत। धन्यवाद।